कि आपके दिमाग में जहन में एक तो सवाल आएगा ही भाई एक सवाल तो आएगा ही कि रीजनिंग की यही क्लास क्यों करें रीजनिंग के लिए यही क्लास क्यों करें तो सबसे पहला एकदम प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है मेरे वीडियो सीएचएसएल में मैंने पढ़ाया था वो पढ़े हुए हैं और सीएचएसएल का एग्जाम भी हो चुका है एसएससी का तो आप जाकर देखिए जिस टाइप का क्वेश्चन कराया वैसे ही आपके एग्जामिनेशन में आए है ना तो ये एक पहला रीजन है आप क्लास करिए क्योंकि मेहनत करता हूं मैं अपने सेशन पे भाई हर एक प्रीवियस ईयर सेट को देखता हूं कि कैसे सवाल है क्या ट्रेंड चल रहा है क्या चेंज होकर आ सकता है प्रत्येक टॉपिक से सवाल केवल लॉजिक बच्चे के साथ साथ भी सीखते हैं। वाला दिमाग कैसे लगा लिया जाए सवाल के साथ साथ नए पैटर्न के भी क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं इस सेशन में। है ना? फिर देखो मेरी पूरी कोशिश है ईमानदारी से आपको बताऊ पूरा तन मन सब कुछ लगा के तैयार करता हूं क्वेश्चन को कि भाई ऐसे ही सवाल आएंगे हर एक चीज पिछले आठ दस सालों से मैं दस साल से पढ़ा रहा हूं दो से मैं पढ़ा रहा हूं हर एक चीज हर एक बारीकी से वाकिफ होने की कोशिश करता हूं आज भी उसी तरीके से क्वेश्चन बनाता हूं कि भाई नए पैटर्न कैसे कैसे आ रहे हैं मैंने तो क्वेश्चन का सिलसिला बदलते हुए देखा है इसी दस साल के अंदर कि पहले ऐसे आते थे पहले तो ऐसे आते थे टू इज टू फोर दो का स्क्वायर चार है आठ इज टू वाट तो आठ का स्क्वायर चौसठ होगा थोड़ा सा लेवल बढ़ा है पूरे के पूरे इस दरमिया में है ना तो मेरी पूरी कोशिश है कि सभी सवाल यहीं से आए और डेली 25 प्लस सवाल आपको सॉल्व कराता हूं मैं मिनिमम 25 रहते हैं 26 27 28 30 सवाल तक हम चले जाते हैं तो ये आप देखो अब एक चीज यहां पे सबसे बड़ी बात कि आपको दिखनी चाहिए कि आप अगर 25 सवाल की बात करते हैं अगर आप एक महीने भी कर लिए और मिनिमम 25 सवाल ही कर लिए मतलब uh, सकते हैं चलिए अब आते हैं सबसे पहले सवाल की तरफ पूजा श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सोनू भाई जुड़ चुके हैं राजा राम सिंह है बद्री है निशांत है बार शेयर करिए को जबरदस्त अंदाज में शेयर करिए और आए क्या सबसे पहले सवाल की तरफ एक बार थम्सअप आ जाए एक बार थम्सअप आ जाए आप सभी लोग

अजीत विशु जी है मॉर्निंग मॉर्निंग भाई एक बार थम्सअप आए जल्दी से एक बार एक बार आप सभी लोगों का थंसा जाए कि रेडी वी आर रेडी आने लगा है भाई थम्सअप आने लगा है तो चलिए भाई देखते हैं सबसे पहले सवाल की तरफ और देखते हैं सबसे पहला सवाल हमारा क्या है क्या कह रहा है क्या कह रहा है देखो इसको तो सबसे पहले देखो रैंकिंग का सवाल है रैंकिंग का सवाल है और कह रहा है क्या कह रहा है कि अमित लेफ्ट से अमित लेफ्ट से कितने नंबर पे है भाई सत्रहवें नंबर पे है अमित लेफ्ट से सत्रहवे नंबर पे है और सौरभ राइट से इक्कीसवे नंबर पे है तो बताएं कि टोटल कितने स्टूडेंट है पहले इसका जुगाड़ बता देता हूं फिर कॉन्सेप्ट से समझना ध्यान से समझना पहले इसका जुगाड़ बताता हूं अमित लेफ्ट से मतलब एक आदमी है अमित और एक आदमी है सौरभ दो आदमी और दोनों का एक एक साइड से इसका लेफ्ट से और उसका किधर से राइट से पोजिशन दे दे और टोटल पूछे बात समझना तो क्या है जुगाड़ क्या है कि दो अलग अलग आदमी अलग अलग साइड से पोजीशन दिया हुआ है अमित का लेफ्ट से सौरभ का राइट से और टोटल पूछे तो कुछ नहीं करते दोनों को ऐड करके और एक घटा देते हैं ये तो जुगाड़ है पहले जुगाड़ है बनाने का यह कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दो अलग अलग आदमी और दोनों का अलग अलग पोजीशन दिया रहा है अलग अलग साइड से तो क्या करते हैं सत्रह और इक्कीस को जोड़ देंगे तो अट्ठाइस आएगा और अड़तीस आएगा और अड़तीस में से एक घटा दोगे मतलब आंसर क्या आ जाएगा थर्टी सेवन लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट की बात करेंगे कि कैसे कॉन्सेप्ट के साथ अगर इस सवाल को बनाया जाए तो अमित लेफ्ट से सत्रहवे नंबर पर ध्यान देना अमित लेफ्ट से सत्रहवे नंबर पर सेवेंटीन आप ऐसे लिख दोगे ठीक है नंबर पे है सौरभ राइट से इक्कीसवे नंबर पे है यहां पे देखो कितने लोगों का आंसर आया है सैंतीस फटाफट जितने लोगों का आंसर सैंतीस आया है उन सभी लोगों का आंसर बिल्कुल गलत है मैं जान के ये कर रहा था ये जान के मेरे द्वारा दिया गया सवाल था और इसमें भाई साहब सब लोग फंसे हैं सब लोग फंसे हैं सब लोग फंसे हैं।, हैं भाई मेरे गजब गजब देखो यही चीज सिखाने के लिए आया हूं मैं मेरे तो अब पढ़ाने का अंदाज अलग है मैं पहले लॉलीपॉप देता हूं कि मैं जुगाड़ बता देता हूं आपने जो जुगाड़ पढ़ा था बिल्कुल जुगाड़ लगता है जब एक ही आदमी का पोजीशन दोनों तरफ से रहे यहां पे दो अलग अलग आदमी है यही तो कंफ्यूजन में फंस गए तुम यही तो कंफ्यूजन में फंस गए मेरे भाई यही तो गड़बड़ी कर गए अमित लेफ्ट से सत्रहवें नंबर पे है और सौरभ राइट से ध्यान देना सौरभ राइट से इक्कीसवें नंबर पे है तो ये बताओ टोटल कैसे निकाल पाओगे भगवान हूं कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि अमित लेफ्ट से सत्रह है सर और सौरभ राइट से इक्कीस है जबरदस्ती चिपका देंगे दोनों को दोनों के बीच में कोई है ही नहीं तुम तो भगवान हो मान लिए कोई नहीं हो अमित लेफ्ट से सत्रह है सौरभ राइट से इक्कीस है दोनों के बीच में हो सकता है एक आदमी हो दस आदमी हो सौ आदमी हो कोई आदमी हो ही नहीं कुछ भी हो सकता है तो जब कुछ भी हो सकता है तो आप कंफर्म आंसर नहीं निकाल सकते इसीलिए आंसर जाएगा नॉट बी डेटरमाइन और अगर नॉट बी डेटरमाइन ऑप्शन में ना रहे तो आपको आंसर लगाना पड़ता है दीज क्लियर है दोस्तों बोलो भाई पक्की बात है बोलो भाई मजा आया होगा इस सवाल को करके कि हाँ देखो यहां पे कैसे फंस सकता है बच्चा कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं रहे तो वो सैंतीस के पास चला जाएगा ज्यादातर बच्चे चले जाएंगे तो यहां क्लियर होगा आई थिंक आप सभी लोगों का चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते देखते हमारा अगला सवाल क्या है सेशन लाइक एंड शेयर होते रहना चाहिए मेरे दोस्त एक बार सेशन लाइक एंड शेयर अरे बाबा ये तो गजब है ए का प्लेस वैल्यू वन तो बी का प्लेस वैल्यू दो ऑप्शन में ही नहीं है ले बाबा देखो भाई क्या हो रहा है यहां पे ए का प्लेस वैल्यू वन तो बी का प्लेस वैल्यू टू होता है लेकिन टू ऑप्शन में नहीं है ए रिलेटेड एक से जिस अंदाज में उसी तरीके से बी किससे रिलेटेड होगा तो यहां देखो इस टाइप के सवाल को बनाने का तरीका क्या है यह जान के ऐसा किया है कि ए का ए का प्लेस वैल्यू वन होता है अब वन का स्क्वायर करोगे तब भी वन होगा वन का क्यूब करोगे तब भी वन होगा वन का पावर फोर कर दो तब भी वन होगा तो बी का प्लेस वैल्यू होता है दो b का क्या कोड होगा तो b का प्लेस वैल्यू होता है दो, दो का स्क्वायर करोगे ऑप्शन में नहीं है दो का क्यूब करोगे आठ ऑप्शन में नहीं है दो का पावर चार कर दोगे सोलह ऑप्शन में नहीं है दो का पावर पांच करोगे ऑप्शन में है आंसर आंसर लगा दीजिए विल बी द करेक्ट क्योंकि और भी कोई भी दो के पावर में आपका आने वाला नहीं है तीस पचास बासठ कुछ भी कर लीजिए आप समझ गए मतलब एक इज इक्वल टू वन क्यों एज टू वन क्यों समझ में आई बात या नहीं आई एक बार समझो इसको ए इजू वन इसलिए था कि एक वन से

अरे बाबा बाबा देखो यहाँ पे एक नया लॉजिक मिलेगा आपको न्यू लॉजिक देखना भाई नया लॉजिक आपको मिलने वाला है यहाँ पे जबरदस्त अंदाज में जुड़े रहिए बस एकदम लॉलीपॉप सवाल है लेकिन थोड़ा सा घुमा करके दिया है देखते हैं कौन इसका आंसर सही पकड़ पाता है जल्दी से एक बार सेशन को लहरा दीजिए चारों तरफ भाई एक बार सेशन को लहरा दीजिए चारों तरफ देखते हैं क्या आंसर इसका होने वाला है ई इज इक्वल टू फाइव रीड इज इक्वल टू सेवन देन व्हाट इज द कोड ऑफ डियर डियर का कोड क्या होने वाला है ये आप सभी लोगों को एक बार बताना है जल्दी से एक बार जुड़िए भाई सभी लोग फटाफट फटाफट जल्दी से ये सौ की संख्या पार कराइए कंकरेंट व्यूअर्स आप पचास लोग अभी देख रहे हैं ये दोगुना होगा एक बार लाइक एंड शेयर आप कर दीजिए ठीक है अब यहां देखो क्या ईज इक्वल टू फाइव क्यों है तो आप जब इस सवाल को बनाने चलेंगे तो ई e का वैल्यू पांच होता है तो, तो, तो सात होगा अरे पगला आर का ही अट्ठारह होता है सात कहां से होगा तो ई e का वैल्यू पांच हो गया लेकिन हमें लिखना तो पड़ेगा देखो क्या क्योंकि यहां लेटर से नंबर यहां भी लेटर से नंबर आया है तो भाई प्लेस वैल्यू तो करना पड़ेगा ठीक है E का प्लेस वैल्यू पांच लिख दिया रीड का अगर करोगे आर ई ए डी तो आर का प्लेस वैल्यू अठारह रखिए देखो आर ऐसे लिखते हो ना इसमें ऐसे मिला के एक लगा दो देखो ये अठारह से और ई एडी चार पांच तो आपको याद ही रहता है ई e का प्लेस वैल्यू पांच ए का एक डी का चार सबको ऐड कर दो आपस में तो ऐड करोगे तो क्या होगा चार एक पांच पांच दस और अट्ठारह अट्ठाईस आएगा इसको ऐड करने पे क्या आ जा रहा है अट्ठाइस आ रहा है लेकिन यहां लिखा है सात तो 28 देखो यही बको ध्यान है 28 से सात कैसे हुआ है ना क्योंकि हमें तो रीड के साथ हर वो हरकत कर देना है जिससे ये सात निकाल के फेंक देगी तो देखो यहां अट्ठाइस आया बाबा ये हो रहा है देखो बन गया बन गया ई में एक लेटर था तो ई का प्लेस वैल्यू पांच बटा एक तो पांच आया समझना रीड को ऐड करने पे अट्ठाइस आया इसमें चार लेटर है तो अट्ठाइस बटा चार कर दिया है देखो सात समझना देखो भाई सवाल को समझने की कोशिश करिए डियर में चार लेटर है तो डियर का तो पहले लिख के प्लेस वैल्यू एड कर लो अब देखो ये लिखना नहीं है मैं आपको समझाने के लिए करूं अगर आप एग्जाम में बना रहे ना आर का अट्ठारह अट्ठारह एक उन्नीस उन्नीस पांच चौबीस चौबीस चार अट्ठाइस अट्ठाईस बटा सात चार अट्ठाइस बटा चार, चार सात आंसर हो जाएगा देख के काउंट कर लीजिए वहीं पे ऐसे 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 कि आर का होता है, ऐसे देखना है, आर का 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 होता होता है एक तो अठा, ऐसे, है है देखना ए तो पर अट्ठारह उन्नीस और पांच चौबीस चौबीस और अट्ठाइस ऐसे करना है आपको एग्जामिनेशन हॉल में क्लियर है दोस्तों यहां पर लॉजिक इसका सभी लोगों का क्लियर है एकदम बेहतरीन अंदाज में चल रहा है ना भाई तो एक बार लाइक एंड शेयर ठोक दीजिए भाई सभी लोग रुक नहीं रहना रुकना नहीं हम लोगों को भाई रुकना नहीं रुकते कौन है कौन रुकता है अरे भाई भाई देखो यहां भी मतलब जो पिछला सवाल था उसी टाइप का है क्वेश्चन नंबरिंग पर ध्यान मत दीजिएगा थोड़ा इधर उधर हो गया है है ना तो जल्दी से यहां पे देखते हैं कि यहां पे क्या होने वाला है इसका लॉजिक थ्री टू वन को अब देखो वही चीज है अठारह लिख रहा है तो तीन सौ इक्कीस के साथ हर वो हरकत करिए ना जाएगा आपके लिए सवाल को सॉल्व करना तो एक बार देखते हैं कि आप सभी लोगों में से किसका जवाब यहां पे आ रहा है जबरदस्त तरीके से एक बार लाइक एंड शेयर उड़ाइए भाई गर्दा कर दीजिए सेशन को तुरंत तुरंत यहां पे लाइक एंड शेयर कर दीजिए 321 को अट्ठारह बाबा ये हो क्या रहा है इक्कीस 41 को 32 लिख रहा है हो क्या रहा है 36 को क्या लिखेगा आपसे पूछ दिया है तो 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 अगर हम इसको ऐड करो तीन दो पांच और एक छ आएगा तो छह से अठारह तीन गुना लग रहा है देखो हर चीज करेंगे जिससे इससे अठारह आ जाए तो तीन दो पांच और एक छे ये छह से अठारह कैसे आ रहा है तो देखो यहां छे है गुना तीन कर दिया तो आगे अगर हम करें तो दो एक तीन और चार सात और एक आठ आठ तेरी चौबीस नहीं यहाँ गुना चार हो रहा है मतलब यहां तीन लेटर ये, ये तीन गुना चार क्यों क्योंकि तीन सौ इक्कीस तीन ही लेटर है यहां गुना चार क्यों हुआ? क्योंकि चार लेटर है यहाँ छह और तीन नौ और इसमें गुना दो ही होगा क्योंकि यहां दो ही लेटर है तो नौ गुना दो मतलब अठारह करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई क्लियर है आप सभी लोग एटीन ओके 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 चलो अगला सवाल ये क्या है रिया को तैतीस तो ड्रग्स को क्या है रिया और ड्रग्स कुछ सुना सुना सा लग रहा है रिया और ड्रग्स कुछ बॉलीवुड में हुआ था ना हो गए कुछ दिन हो गए हाँ 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 तो रिया को लिखा जा रहा है 33 तो ड्रग्स को क्या लिखा जाएगा जल्दी से एक बार देखो आप सभी लोग रिया को 33 लिखा जा रहा है तो ड्रग्स को क्या लिखेंगे एक बार ये बताओ सभी लोग गुड मॉर्निंग मनु कुमार सिंह जी गुड मॉर्निंग किशन भाई गुड मॉर्निंग एक बार लाइक एंड शेयर करिए पूजा नितेश भाई एक बार लाइक एंड शेयर ठोकते जाइए अभी पचास लोग देख रहे हो पच्चीस लाइक है मतलब पच्चीस लोग अपने डी के भाई से नफरत करते हैं क्या भाई एक बार आपके सपोर्ट की जरूरत है एक बार लहराइए जबरदस्त अंदाज में देखिए यहां पे क्या है और रिया को थर्टी थ्री लिखा जा रहा है ध्यान देना रिया आर आई वाई ए रिया अब रिया वर्ड के साथ आप हर वो हरकत करने के लिए तैयार हैं जिससे ये थर्टी थ्री निकाल के दे पहला रूल यहां इधर लेटर इधर नंबर मतलब प्लेस वैल्यू हरकत में आएगा तुरंत आर का प्लेस वैल्यू अट्ठारह आई का नौ वाई का पच्चीस वाई का पच्चीस और ए का प्लेस वैल्यू एक अगर हम इन सबको जोड़ें तो पच्चीस एक छब्बीस तीस, पांच पैंतीस पैंतीस और चालीस तीन तैतालीस और दस तिरपन आ रहा है और यहां तैतीस है तैतीस है यहां हमें तिरेपन आ रहा है सबको ऐड करके अब क्या करें भाई कुछ लॉजिक लगना ही रहे तिरपन चार लेटर है नहीं भाई नहीं भाई तो अब देखो एक और लॉजिक इसमें लगा सकते हम लोग ववेल कॉन्सोनेंट को अगर हम अलग अलग करें वेल कौन है आई कौन है वेल कौन है ए तो आई और ए. तो आई का नौ और एक दस वेल को केवल ऐड कर दिए तो क्या आया हमारा दस केवल कंसोनेंट को ऐड करें तो अठारह और पच्चीस आर का अठारह वाई का पच्चीस तो अठारह और पच्चीस कितना हो जाएगा हमारा अठारह दूनी छत्तीस दो अड़तीस और पांच अड़तीस और पांच तैतालीस अरे बन गया बन गया बन गया कंसोनेंट और का डिफरेंस निकाल रहा है ते दस ते देखो भाई कैसे बना। ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा मतलब इक्कीस कंसोनेंट तो चार डी का चार अठारह और चार बाईस बाईस और सात उन्तीस उन्तीस और उन्नीस अब देखो कैसे जोड़ेंगे तो उन्तीस और उन्नीस तो उन्तीस और पहले एक जोड़ लो तो तीस तो उधर अठारह तो अड़तीस अड़तीस और दस अड़तालीस तो अड़तालीस और इक्कीस का आठ में से एक गया सात मतलब यूनिट प्लेस पे सात होना चाहिए यहां नहीं यहां नहीं आंसर नहीं। लगा दीजिए डी दी नंबर बोलो भाई क्लियर है कुछ गड़बड़ी हुआ है क्या 28 भी लगा रहे कुछ लोग कुछ ऐड करने में, में मेरे से गड़बड़ी हो गई है क्या यू का इक्कीस अट्ठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस बाईस और सात उन्तीस उन्तीस और दस उनचालीस उनचालीस और नौ अड़तालीस बिल्कुल सही है भाई आठ में से सत्ताइस होगा भाई आप लोगों के कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है चलो भाई किशन भाई आगे चलते देखते हैं अगला सवाल क्या होने वाला है हमारा ये नहीं बनाया तो कुछ नहीं बनाया ए आई पी वाई अब क्या है भाई ए इंट्रोगेटिव मार्क यहां ध्यान से ध्यान से देखना ए के बाद डे इंट्रोगेटिव मार्क आई पी वाई यहां पे क्या बैठाएंगे जरा ध्यान से देखो तो एकदम आसान सवाल है बस इसको लगातार बनाते रहना है आपको देखो देखो भाई देखो यहां पे क्या आंसर होगा एक बार लाइक एंड शेयर करिए सेशन को जबरदस्त अंदाज में शेयर करना है भाई रुकना नहीं है देखो सवाल जबरदस्त जबर्दस, जबरदस्त आपके पास आएंगे बस आपको हर सवाल के जवाब में लाजवाब होना है बस यही एक प्रॉमिस करिए कि हर सवाल क्योंकि आपका सिलेक्शन तो हम मिल करवाएंगे एकदम मिलकर करेंगे आप सभी लोग हम लोग मिलकर सिलेक्शन देखते हैं कैसे होगा देखो यहाँ तुरंत देखो जब ऐसा सवाल आए ना ज्यादा टाइम ही नहीं लेना है ए का प्लेस वैल्यू एक आई का प्लेस वैल्यू नौ पी का प्लेस वैल्यू सोलह y का प्लेस वैल्यू 25 जैसे ही प्लेस वैल्यू लिखोगे ना आपके दिमाग में हर चीज सामने आ जाएगी अगर प्लेस वैल्यू लिखने के बाद भी सामने ना आए मतलब आपको बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है क्यों देखो ये एक का स्क्वायर है ये तीन का स्क्वायर है ये तो देखने से ही लगना चाहिए चार का ये पांच का तो यहां कौन सा मिस हो रहा है दो का स्क्वायर चार मतलब यहां पे डी आना चाहिए ऑप्शन नंबर सी में है लगा देंगे ना आंसर मेरे भाई अगला सवाल कह रहा है यहां इंट्रोगेटिव मार्क के जगह क्या आएगा देखो जरा सा इन दोनों ट्रैगल्स के ऊपर जो और नीचे नंबर्स लिखे हैं उसको एक बार रीड करिए और बताइए कि यहां पे क्या आंसर होने वाला है देखो भाई क्या आंसर होने वाला है यहां पे सभी लोग एक बार आंसर बताएंगे यहां पे क्या आंसर होगा जबरदस्त अंदाज में भाई जबरदस्त लॉजिक के साथ ये सवाल सेट किया गया है आप लोग जरा सा इस सवाल को जो है गर्दा उड़ा दो एकदम बना सकते हो तुरंत बना सकते हो मैं कटैक देखो कैसे बनेगा यह सवाल देखो ये सवाल कैसे बनेगा ये एक बार देख लो सभी लोग भाई उराइए सेशन का तो एकदम गर्दा गर्दा कर दीजिए भाई अच्छा ये हंड्रेड पार हो सकता है कि नहीं अगर आप लोगों ने चाहो तो ये पहले बताओ आप लोग क्या चाह रहे हो कि एक बार लाइक एंड शेयर हो या ना हो जितने लोग देख रहे हैं अपने भाई के लिए एक बार लाइक करिए इतना मेहनत चल रहा है भाई एक बार उसका तो जबरदस्त एक बार लाइक एंड शेयर साहिल भाई एक बार उड़ा दो साहिल है वेरी गुड राउत साहब नितेश पिंकी बद्री संगीता पवन शिवी एक बार उड़ाइए भाई गर्दा उड़ाइए देखो यहां सवाल क्या होने वाला है थ्री फाइव टू यहाँ पे लग रहा है आपको थ्री फाइव टू लग रहा है यहाँ सेवन है यहाँ जीरो पैंतीस मैंने क्या बोला ये तीन सौ बावन भी पढ़िए तीन पांच दो भी पढ़िए पैंतीस और दो भी पढ़िए इसको सेवन जीरो पढ़िए और एक साथ सत्तर भी पढ़िए तो यहां देखो पैंतीस और दो और यहां सत्तर यही दिमाग खटकेगा आपका पैंतीस गुना दो सत्तर मतलब पहले दोनों को लास्ट वाले से गुना किया तो पैंतीस गुना दो सत्तर तो सात और जीरो यहां देखो तैतालीस गुना दो छियासी तो आठ और छह छियासी यहां देखो नब्बे लाना है तो किसको गुना करें तो नब्बे आ जाए देखो तो पंद्रह गुना छ नब्बे होगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर

है ना बार बार आपके एग्जाम में इस टाइप का सवाल आता है देखो भाई क्या होगा इसका आंसर एक बार लगाइए तो एक बार आप सभी लोग देखो आए हो तो ऐसे आ रहे हो भाग जा रहे हो भाई रुक जा देख ले सारा क्वेश्चन देख लो एक बार मजा आएगा आदत लग जाएगी आपको अपने डीके भाई का एक बार सपोर्ट करिए फुल सपोर्ट चाहिए आप सभी लोगों का है ना चलो नेह रानी सोनी करिए आशुतोष कुमार मिश्रा जी बिल्कुल बहुत सही बहुत सही एक बार लाइक एंड सर्ट होगी सभी लोग कह रहे हैं छह तीन नौ बारह इक्कीस तेतीस इंट्रोगेटिव मार्क क्या होने वाला है यहां पे छह तीन नौ बारह इक्कीस तेतीस इंट्रोगेटिव मार्क क्या लगाओगे यहां पे आंसर एक बार बताओ भाई बोलो भाई क्या आंसर यहाँ पे लगाने वाले हो आप सभी लोग देखते हैं किसका आंसर देवेंद्र भाई 54 लगा रहे हैं देवेंद्र भाई का 54 फोर आ रहा है अक्षय जी का भी फिफ्टी फोर आ रहा okay. है राजा राम फिफ्टी फोर बिल्कुल छह तीन नौ देखो ऐड करोगे क्या आएगा नौ नौ और तीन को ऐड करेगा क्या आएगा बारह ध्यान से देखना बारह और नौ को ऐड करोगे क्या आएगा इक्कीस इक्कीस और बारह को ऐड करोगे क्या आएगा तेतीस इक्कीस और तेतीस को ऐड करोगे क्या आएगा चौवन आंसर फिफ्टी फोर विल बी द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बोलो भाई ये पिछले दो दो को याद करते जा रहा है ठीक है भाई चलिए अगले सवाल पे आते देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या ऑड वन आउट ऑड वन आउट का ये सवाल ये क्या कर रहा है अरे ये देखो कैसे बनेगा ये देख के कैसे बनेगा देखो ये क्लियर लग रहा है बढ़ते क्रम में है, पी के बाद आर टीवी नजदीकी भी है बी डी एफ सी नजदीकी है मतलब बन जाएगा ये सवाल कैसे पी के बाद क्यू आर एस टी यू वी एक एक का गैप है बी के बाद सी डी ई एफ और यहां देखो गैप नहीं हुआ मतलब यही तो अलग नहीं आगे देखते हैं एल के बाद एम एन आंसर बी भाई सहूलियत के लिए ये भी चेक कर लेना B इस सब सवाल में नहीं लगाना है ये बनाओ तो जाने भाई सीरीज का एक सवाल है यहां पे क्या होगा एक बार देखो तो मार्क के जगह क्या लगाएंगे हम सभी लोग बोलो भाई जल्दी से यहां पर डी ट्वेंटी थ्री एफ एच नाइनटीन जे एल सेवनटीन एन इंट्रोगे वी है बोलो यहां क्या आंसर लगा रहे हो आप सभी लोग एक बार सेशन को लहराते जाइए लाइक एंड शेयर में कोई कमी नहीं करना है आप सभी लोगों को लाइक एंड शेयर में कोई कमी नहीं होनी चाहिए बताओ यहां पे अरे भाई हमें भी तो बनाना पड़ेगा हम तुम लोगों को बता रहे हैं बनाने के लिए हम भी तो बना लें छह चार दस यहां तेईस है डी ई एफ जी एच आई जे अरे देखो ये चेक देखो यहां भी देखो अरे बाबा देखो ये यही चीज दिमाग है यही दिमाग है ये लेटर पे तो जाओ ही नहीं क्योंकि देखो ऑप्शन में सब पी और सब आर है कोई कटने वाला नहीं है पी और आर सब में है मतलब पी और आर तो होगा ही इस पे जाओ तेईस है उन्नीस है सथ, अरे प्राइम नंबर प्राइम नंबर तेईस भी प्राइम नंबर है तेईस के बाद प्राइम नंबर उन्नीस है बिल्कुल लिया है उन्नीस के बाद सत्रह लिया है सत्रह के बाद क्या होगा पंद्रह नहीं है तेरह होगा तेरह तेरह ऑप्शन नंबर सी देखो अब पी और आर कुछ लोग पी और आर को ही चेक करते रह जाएंगे कि पहले पी और आर में ही टाइम लगा दिए ज्यादा ना 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 ना

अगर ये सवाल आपसे नहीं बनाना मेरे ऊपर लाना तो मतलब इतना आसान सवाल है क्या चल रहा है मजाक चल रहा है क्या है यह मजाक चल रहा है भाई बोलो भाई यहां पे क्या आंसर होने वाला है एक बार जल्दी से हंड्रेड पार करा दीजिए दिल खुश हो जाए हमारा भी हिम्मत न खोना अभी बहुत आगे जाना है जिन्होंने कहा था ये तेरे बस का नहीं उसे भी करके दिखाना है देखो आया कमेंट यहां पिंटू भाई साहब का बहुत बढ़िया चलो देखते हैं यहां पे क्या आंसर होगा फिफ्टी इज टू सिक्सटी फाइव 50 अब देखो यहाँ पे क्लियर देखो देख के ये 50 नहीं दिखना चाहिए ये प्रैक्टिस इतना करिए ना पचास पैंसठ नहीं दिखिए लेकिन पचास किसके आसपास है सात के स्क्वायर के आसपास है अच्छा प्लस वन हुआ है ये पैंसठ किसके आसपास है आठ के स्क्वायर के आसपास है प्लस वन हुआ है ये दिखे ये 101 दिखे कि हाँ 101 भी है लेकिन अगल बगल क्या होगा तो 10 का स्क्वायर प्लस वन है तो आगे 11 का स्क्वायर प्लस वन एक सौ इक्कीस प्लस वन एक सौ बाईस हो जाएगा ऐसे सवाल आने चाहिए दिमाग में ये सारी चीजें होनी चाहिए आपके साथ सवाल ऐसे बनते हैं भाई मेरे क्लियर है सवाल को ऐसे ही बनाना है हम सभी लोगों को ठीक है दोस्तों चलिए अब देखते हैं अगला सवाल क्या है हमारा ये कह रहा है इंट्रोगेटिव मार्क के जगह क्या होगा जरा देखो तो भाई मिसिंग का सवाल है मिसिंग टर्म का सवाल है यहां इंट्रोगेटिव मार्क के जगह क्या आने वाला है बाबा ये तो ये तो सात आठ नौ सात आठ नौ पैंसठ पैंसठ सात आठ नौ नौ नो दो लॉजिक से बनेगा ये दो लॉजिक लगेगा एक लॉजिक आपका लगेगा ना तो आंसर ही नहीं आएगा एक लॉजिक से देखो कैसे एक लॉजिक में लगा के आपको बता देता हूं देखो एक लॉजिक क्या होगा सात और आठ को गुना करोगे तो सात अठे छप्पन प्लस नौ तो पैंसठ हो जाएगा आठ त्री चौबीस और दस चौंतीस होगा लेकिन चौतीस ऑप्शन में नहीं है पहला लॉजिक तो फ्लॉप कर गया हम सभी लोगों का लॉजिक बिल्कुल सही था, था। लॉजिक में कहीं कोई एकदम कंजूसी नहीं हुई है सात अठे छप्पन प्लस नौ पैंसठ आठ त्रीस चौबीस और दस चौंतीस लेकिन ऑप्शन में नहीं है मतलब आपको दूसरे लॉजिक के साथ खेलना पड़ेगा कि दूसरा कोई लॉजिक निकालिए भाई और क्या हो सकता है ध्यान से यहां, यहां नाइन है यहां एट है तो आठ सते छप्पन काम नहीं किया तो ऐसे कर देते नौ अठे बहत्तर और बहत्तर देखो नौ गुना आठ बहत्तर माइनस सात तो पैंसठ ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना अब यहां क्या होगा दस अठे अस्सी और माइनस तीन तो सतहत्तर ऑप्शन में था आपका बी में लगाइए और गंगा नहाइए आगे चल के ये देखो ये ये ये, ये अरे बाबा ये देखना मैंने जो आपको तरीका बताया है ना ये दो सौ अड़तालीस केवल आपको नहीं दिखे ये दो चार आठ भी दिखे ये आठ चार दो भी दिखे वो वाला दिमाग लगाओ यहाँ पे देखो दिमाग दे रहा हूं तो उसको लो और उसको अप्लाई तुरंत करना सीखो यहाँ पे अब देखो यहाँ पे क्या आंसर होने वाला है आप सभी लोग एक बार लहरा के लाइक एंड शेयर कर दीजिए भाई लहरा दीजिए क्वेश्चन को अलबला देना चाहिए क्वेश्चन ऐसे के अलबला गया आप क्या करे बाबा वो तो बोलो यहां का लाइक एंड शेयर में कमी नहीं छोड़ो प्लीज बस ये एक रिक्वेस्ट है जितने लोग भी हैं एक बार उड़ा दीजिए सेशन को गर्दा गर्दा कर देंगे सारे सेशन को देखते हैं यहां पे क्या आंसर लगा रहे हैं आप सभी लोग टू फोर एट थ्री देखो आपको ये दो सौ अड़तालीस पढ़ रहे हैं ठीक है लेकिन इसी दो के साथ हरकत करना है ना जिससे तीन आए तो क्या हरकत करोगे इतना बड़ा नंबर है यहां है तो हरकत क्या बस देखो ऐसे बत्तीस लगाओ ना आंसर चार ऑप्शन नंबर सी में रखा हुआ था देख रहे हो कैसे लग रहा है आंसर ये चीजें सीखनी है आपको इस सेशन में अगर आप मेरे से क्लास करोगे मेरे साथ पढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ रीजनिंग वाला दिमाग भी लेके जा रहे हो ये फ्री में है वन एक पे एक फ्री होता है ना भाई चलो देखते हैं अगला सवाल क्या है कह रहा है इसमें कितने रेक्टेंगल है आयत की संख्या गिनो जरा सा रेक्टेंगल कितने हैं इसमें आयत की संख्या गिननी है आपको कितने आयत हैं कितने आयत हैं ये आपको निकालना है बताओ भाई कितने आयत हैं यहाँ पे जल्दी से एक बार फटाफट आयत की संख्या बताइए कितनी है आपको बता चुका हूं इस टाइप के लॉजिक पे सवाल कैसे बनते हैं एक बार गर्दा उड़ा दो सभी लोग भाई देखो पिंटू भाई साहब सेरो चल रहा है मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है ये तो गलत बात है भाई चलो देखते हैं यहां पे आंसर क्या होने वाला है आपका यहां पे आंसर क्या होने वाला है आप सभी लोगों का ये एक बार देखते हैं सभी लोगों के साथ कि क्या आंसर आप लगा रहे हैं यहां पर नीतीश भाई वो तो पिछले सवाल का जवाब था आपका चार यहां पे इस सवाल का जवाब देखो इसको मैं कॉन्सेप्ट के साथ भी बताऊंगा जो नए बच्चे हैं वो भी जुड़े रहे कि आखिर ये तो जो पढ़ा है बनाएगा नहीं जो नए बच्चे हैं वो भी जुड़े रहे अभी मैं बता रहा हूं इसका क्या लॉजिक होने वाला है तब तक आप लोग लाइक एंड शेयर करके बनाते जाइए इस सवाल का आंसर उन्नीस आने लगा है सत्रह भी आ रहा है उन्नीस भी आ रहा है सत्रह और उन्नीस ज्यादा संख्या में आ रहा है सत्रह कुछ लोगों का आया है तो देखते हैं यहां क्या आंसर होने वाला है तब तक आप लोग लाइक एंड शेयर कर दीजिए सेशन को जबरदस्त और ताबड़तोड़ अंदाज में एकदम फटाफट 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 चलो भाई देखते हैं क्या है अब देखो यहां पे कितने रेक्टेंगल है काउंट करना है तो मैं पहले आपको एक बता दूं कि अगर ऐसे रहे केवल और इसमें कहे कि कितने रेक्टेंगल हैं इसमें कहे कि कितने रेक्टेंगल है ऐसे आपको दे दे कितने रेक्टेंगल है इसमें देखो काउंट करने अगर चलोगे बेसिक तरीका बताता हूं पहले ज, पहले कॉन्सेप्ट फिर जुगाड़ ठीक है देखो अब क्या होगा काउंट करोगे तो एक ये है एक ये है एक ये है तीन हो गए तीन तो ऐसे हो गए अब देखना अब कलम कलर पहले देखो काउंट करना भी सिखाना जरूरी है तीन हो गए ऐसे तीन के बाद देखो ये दोनों मिलके एक बनाएंगे चार फिर ये ये भी एक बनेगा पांच ध्यान देना तो ये हो गए अब यहां से एक बनाएगा ये क्या हो जाएगा छे तो टोटल कितने बने छे बने टोटल कितने बने छे जुगार क्या है कि ऐसे रहे जब तो नंबरिंग बैठा दो एक दो तीन और सबको जोड़ दो तीन दो पांच और एक छे ऐसे भी आंसर आ सकता था समझना बात को कैसे आंसर आ रहा है एक जुगाड़ से बनाया हमने और एक ऐसे ही टेक्निक लगा दिया यहां पे ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं एक हम लोगों ने क्या किया कि अगर काउंट करने जाइएगा तब तो ऐसे ऐसे होगा ठीक है और एक और चीज जब आप रेक्टेंगल काउंट कर रहे हैं ना तो उसमें स्क्वायर काउंट हो जाता है यानी कि रेक्टेंगल काउंट कर रहे तो स्क्वायर को नहीं काउंट करेंगे रेक्टेंगल में स्क्वायर काउंट हो जाता है लेकिन स्क्वायर काउंट करने जाओगे तब रेक्टेंगल उसमें काउंट नहीं होता है इस बात का ध्यान रखिएगा तो अब जब यहां बनाओगे तो देखो 1 2 3 4 तो 4 3 7 2 9 और 1 10 10 रेक्टेंगल यहां से आ गए ध्यान दीजिएगा फिर अब ऐसे भी है तो इसको छोड़ेंगे नहीं इसको पकड़ के एक दो तीन चार तो फिर आएगा चार तीन सात दो नौ और एक दस तो दस प्लस दस दस प्लस दस क्या आ जाएगा बीस लेकिन 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 ये दो बार काउंट हो गया है ना तो एक बार घटा दो ये दो बार काउंट हुआ है ना मतलब जितना टर्निंग पॉइंट ऐसे आके ये टर्निंग एक टर्निंग पॉइंट है तो एक घटा दीजिए तो बीस माइनस एक मतलब उन्नीस विल बी द करेक्ट आंसर बोलो भाई क्लियर है या नहीं एक बार लाइक एंड शेयर कर दो भाई अस्सी नब्बे लोग देख रहे हो अभी हंड्रेड पार करा दो जल्दी से फटाफट सभी लोग यहां क्लियर है इसमें इस क्या लगाते हैं जरा देखना जरा देखना यहां पर मैं दे रहा हूं आप सभी लोगों को सवाल सवाल जा रहा है आपके सामने आपको आंसर बताना है कि इसका क्या आंसर लगेगा बोलो इसमें कितने रेक्टेंगल है जरा ये बताओ तो जाने आयत की संख्या देखो मैं सब सिखा दूंगा आपको बस नए बच्चे जितने भी है वो भी जुड़े रहे पुराने बच्चे आंसर लगाते रहे कि क्या है है आपका रिवीजन भी चल रहा है। कितने आयत है इसमें जरा ये बताओ सभी लोग एक बार बताओ तो यहां पे और तब तक आप सभी लोग लाइक एंड शेयर कर दीजिए सेशन को जबरदस्त अंदाज में एक बार उड़ाइए सेशन को लाइक एंड शेयर करके सभी लोग भाई फटाफट कितने रेक्टेंगल होंगे इसमें यह आप सभी लोगों को बताना है बोलो क्या होगा यहां पे ये देखो ये इस तरीके से आ गया तो इसको कैसे हैंडल करते इसमें कितने रेक्टेंगल है? ये कैसे बनाते हैं ये देखना कैसे होगा सबसे पहले इसमें क्या करते हैं ऐसे एक दो तीन ठीक तीन दो पांच और एक क्या आ गया छे लिख दो छे अब एक बार ऐसे भी काउंट कर लेते हैं और इसको फिर जोड़ते हैं एक दो तीन चार चार तीन सात दो नौ और एक आ गया दस ठीक है दस आ गया और यहां क्या आया था, था छे ऐसे जोड़े तो छे ऐसे जोड़े तो दस ठीक है इन दोनों को आपस में गुना कर दीजिए दस गुना छ मतलब यहां पे साठ रेक्टेंगल बनेंगे कितने रेक्टेंगल बनेंगे यहां पे सिक्सटी क्लियर लगाइएगा आंसर भाई यहां पे कितने रेक्टेंगल बनेंगे साठ अभी देखो चौबीस आ रहा था ना, ना 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 यहां पे रेक्टेंगल बनेंगे साठ क्लियर है अक्षय भाई सभी लोगों का क्लियर है भाई आते दम दानाते हुए एकदम क्लियर करते चलिए और सेशन को लाइक एंड शेयर करके हंड्रेड की संख्या तुरंत पार हो जानी चाहिए मेरे भाई बस यही दिली क्वाइस है कि जल्दी से एक बार हंड्रेड की संख्या तुरंत पार हो हम सभी लोगों का यहां देखो ये यह क्या है जी टी सी एच आर ये क्या है भाई देखो ऑड वन निकालना है इसका ऑड वन निकालना है इसको तो क्या ऑड वन होगा कैसे निकलेगा ये एक बार आप सभी लोग बताओ यहां पे ऑड क्या होगा एक बार भाई एक बार जल्दी से सेशन लाइक एंड शेयर तो करो सभी लोग भाई कहां हो अभी सब लोग मतलब सो के नहीं जगे हो कुछ लोग तो अभी ऐसे ही देख रहा होगा लेटे लेटे अच्छा सर पढ़ाने लगे हैं ठीक है चल रहा है, दंग, एक दंग, एक दंग, एक रहा है एकदम अंगराई ले होगा अरे वाह उठ जाओ अब अब तो दस बज गए ग्यारह बज गए ये भी चल रहा होगा आप लोगों का मैं समझ रहा हूँ चीजों को देखो यहाँ पे बनाने चलोगे तो कैसे बनेगा यहाँ अगर देखो मैं बार बार कहता हूँ अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू और उसका अपोजिट एकदम दिलो दिमाग में एकदम आपका जो बचपन का प्यार है ना वही वाला होना चाहिए कि ए का ए का प्लेस वैल्यू एक होता है डी का चार होता है आर का अठारह होता है आई का नौ होता है वाई का पच्चीस होता है वी का बाईस होता है क्यू का सत्रह होता है एल का बारह होता है एन का चौदह होता है एकदम याद रहे आपको ऐसे ए का अपोजिट जेड होता है आर का अपोजिट आई होता है जी का अपोजिट टी होता है एल का अपोजिट होता है ई का अपोजिट वी होता है ऐसे याद रहे आपको जबरदस्त तरीके से तो देखो यहाँ पे कैसे होगा जी का अपोजिट टी क्लियर दिख जाएगा अगर आपको याद है तो लेकिन एच का अपोजिट आर नहीं है ई का अपोजिट वी है एफ का अपोजिट यू है A का अपोजिट जेड है बी का अपोजिट वाई है सी का अपोजिट एक्स है डी का अपोजिट डब्ल्यू है तो अलग कौन आ गया आपका निकल के देख लो यहां पे पहले ही ऑप्शन नंबर ए का ही काटिए यही आंसर होगा यही ऑड वन है आपका क्लियर है दोस्तों यही आपका क्या है ऑड वन है चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अब यहां कह रहा है इंट्रोगेटिव मार्क के जगह क्या होगा जरा द्या, बको ध्यान में ये विजुअलाइज करना है आपको और बताना है कि यहां इंट्रोगेटिव मार्क के जगह क्या आंसर लगने वाला है आप सभी लोगों का जल्दी से एक बार बताओ यहां पे क्या आंसर होने वाला है जल्दी से यहां पे बताइए आप सभी लोग यहां क्या आंसर लगने वाला है आप सभी लोगों का और फटाफट एक बार शेयर करिए सेशन को और इंट्रोगेटिव मार्क के जगह क्या होगा ये नहीं लगा पाएंगे अरे बाबा क्यों नहीं लगा पाएंगे देखो तो कैसे होगा याद है सीवी कह रही है वेरी गुड बहुत बढ़िया बार बार भूला जाते हैं सर <laughs> क्योंकि बार बार याद नहीं रखते है ना किसी किसी का मोबाइल नंबर आपको याद होगा ना नाइन एट थ्री फाइव ये चलो याद रहता है ना क्यों क्यों याद रहता है आपको दिल से याद किए हो तो याद तो रहेगा ही है ना तो वही उसी तरीके से कोई आपको ऐसे दे मतलब किसी को तुम खूब मान रहे हो चाह रहे हो अच्छा है और वो ऐसे एक बार कोई झलक दिखला दे आपको मोबाइल का ऐसे लिख के आप ऐसे अच्छा अंठानवे तीन सौ पचास अंठानवे तीन सौ पचास अंठानवे तीन तीन सौ पचास हाँ पूरा याद है भाई चलो ठीक है ये चलता है सीन देखो यहां पर लगाओगे तो यहां पर आंसर क्या होगा देखना

हाँ, क्या कर रहे हो सभी लोग क्लियर ना चलो अब देखते हैं आगे अब यहां इंट्रोगेटिव मार्क के जगह क्या आएगा आप सभी लोगों को बताना है भाई यहां इन अब ये भी मजेदार सवाल है ये भी मज मजा लीजिए इस सवाल का अ क्या लगेगा क्या लगेगा बाबू क्या लगेगा इसका जवाब अच्छा 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 बन गया ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है चलो आप लोग बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है जल्दी से एक बार बताइए इसका आंसर क्या लगाने वाले हैं आप सभी लोग यहां पर फटाफट रुकना नहीं है सेशन का गर्दा गर्दा उड़ा दीजिए आप सभी लोग बोलो भाई क्या आंसर है यहां पे बताओ आप सभी लोग इसका क्या आंसर होने वाला है क्या आंसर लगने वाला है यहां पे ये यह एक बार आप सभी लोगों को बताना है बोलो भाई क्या आंसर लगने वाला है यहां पे आप सभी लोगों का देखो तो लगाओ तो क्या होगा क्या होगा मेरे भाई लल्ला बताओ एक बार देखो क्या है क्या है यहां पर देखना यहां पर क्या है ये देखो ये देखो ये देखो क्या लग रहा है यहां पे टू प्लस टू करोगे तो क्या आएगा दो और दो को अगर जोड़ोगे तो ये क्या आने वाला है वो एक बार बताओ देखो यहां पे टू है यहां पे भी टू है तो टू प्लस टू करोगे क्या आएगा फोर फोर किसका स्क्वायर है दो का यहां पे दो लिख दिया है यहां पे देखो यहां पांच है यहां पे क्या है ग्यारह है ध्यान देना यहां पे क्या है ग्यारह है तो पांच और ग्यारह ग्यारह यहां है यहां पांच है तो ग्यारह और पांच को जोड़ोगे क्या आएगा सोलह सोलह किसका स्क्वायर है चार का स्क्वायर है यहां देखो चार लिख दिया है यहां सोलह है या नौ है तो सोलह और नौ क्या हो जाएगा पच्चीस पच्चीस किसका स्क्वायर है पांच का पांच लिख दिया है तो चौबीस और बारह चौबीस और बारह किसका करोगे तो क्या आएगा 36 आएगा किसका स्क्वायर है 6 का लिख लिख दो 6. एंसर लिख दो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी बोलो भाई क्लियर चलो अगले सवाल पे आते देखते हमारा अगला आंसर क्या होने वाला है ये लो ये तो हंड्रेड परसेंट ठप्पा के साथ बनाते हो ना तुम लोग ट वाला ऐसे एकदम मुहर लगा हुआ है 100%, खट से मतलब इसको कोई रोक ही नहीं सकता आपको बनाने से अगर आप प्रैक्टिस में देखो से अगर बनाओगे तो ऐसे चलेगा एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह लेटर है मतलब दो दो का ग्रुप बन सकता है तीन तीन का चार चार का और छह छह का देखो छोटा वाला का चांस कम रहता है दो तीन का चांस कम रहेगा चार और छे का ज्यादा होगा हाँ तीन चार का भी रह सकता है दो का बड़ा कम चांस रहता है काटो मत हो भी सकता है लेकिन तीन चार का ज्यादा चांस रहता है

चार चार का अगर बनाओगे बन तो रहा ए सीईजी e, फिर ए सी ई जी फिर ए सी ई जी देखो कैसे बना तो पहले नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करके बंटवारा कर लीजिए कितने कितने का बना सकते हैं तब आप इस तरीके से जा सकते हैं और अगर आगे आपको प्रैक्टिस हो गई अगर आगे आपको प्रैक्टिस हो गई इस टाइप के सवाल को बनाने का जबरदस्त अंदाज में आपका प्रैक्टिस हो गया तो देख के बनाओगे कैसे लेकिन पहले कॉन्सेप्ट याद रखना हमेशा देख के कैसे बनेगा आपसे वो देखो ई के बाद क्या है जी है

इसका अरे बाबा ये क्या ये है वृत वर्ग आयताकार त्रिभुज अष्टकोण कौन, कौन समूह में नहीं है इसमें से भाई सब में कॉर्नर मतलब है काय सेट हो जाता है भाई सवाल मजेदार सवाल इंजॉय करिए इस सवाल को भाई और इसी सवाल में अगर लगे कि एकदम जानदार और लाजवाब सवाल है ये तो एक बार सेशन को शेयर करके हंड्रेड पार करा देना है सभी लोगों को फटाफट बोलो भाई यहाँ क्या आंसर होगा सभी लोग एकदम घटाखट आंसर लगाते जाइए यहां पे क्या आंसर लगने वाला है नाइन सिक्स वन सिक्स नाइन वन फाइव डबल टू इस लॉजिक पे सवाल मैं करा चुका हूं तो देखता हूं कि कितने लोग रेगुलर हैं हमारे क्लास में जो इस सवाल को फटाफट बना रहे हैं डेली आते हो ना भाई हा डेली आते हो या नहीं आते हो इस सेशन में ये तो बताओ सभी लोग यहां पर फटाफट आंसर बताइए क्या होगा देखो मजा आएगा आपको इस सवाल का आंसर जान के ना है। दिल खुश हो जाएगा दिल बाग बाग हो जाएगा आपका आप कहेंगे क्या सवाल है जबरदस्त जबरदस्त बोलो भाई क्या होगा सेशन को लाइक एंड शेयर करते जाइए सभी लोग सेशन को लाइक एंड शेयर सब लोग करते जाइए एकदम गर्दा गर्दा उड़ा देना है सेशन का देखो क्या होगा यहां पर अब इसका एंसर अगर आप लगाने चले कि इसका एंसर क्या होगा तो देखना यहां पर वन पहले कर दो सिक्स और फिर नाइन आ गया मतलब वन सिक्स नाइन आ गया फिर देखो यहां पर वन नाइन हालांकि मैं आपको ये कर रहा हूं तो कोई अति नहीं है कि आपको लग रहा होगा सर ये डायरेक्ट हम कैसे लगा देंगे बिल्कुल नए बच्चे जाएंगे वो सबसे पहले डिफरेंस निकालने लगेंगे लॉजिक नहीं लगेगा हताश हो जाएंगे फिर देखेंगे कि गुना उना तो नहीं हो रहा है नौ से क्या हो रहा है तो ये सवाल ऐसा है कि अगर हिट करेगा तो बनेगा नहीं हिट करेगा आपको छोड़ना पड़ेगा आपको एग्जामिनेशन हॉल में है ना यहां पे करोगे तो दो दो पांच तो यहीं से समझ में आ जाएगा तेरह का स्क्वायर चौदह का स्क्वायर पंद्रह का सोलह का सत्रह का तो आगे अट्ठारह का स्क्वायर होगा जो कि तीन सौ चौबीस होता है लेकिन इसको पलट देना है तो ये आपका चार सौ तेईस विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर टू थ्री अभी दस सौ चौबीस कौन लगा रहा है उसको पकड़ो पीटो जरा सा पकड़ के दस सौ चौबीस वाला सब कौन कौन है जी विकास है विकास कर क्या रहा है जी पूजा भी दस सौ चौबीस लगा रही है अरे बाबा सब पगला गया है मेरा स्टूडेंट सब पगलाया हुआ है भाई क्या है भाई दस सौ चौबीस का है लगा रहे हो कोई लॉजिक काम नहीं कर करा दस सौ चौबीस तुक्का भी लगा देते हो तुम लोग तो एक बार लाइक एंड शेयर करते जाइए सेशन को आप सभी लोग अगला सवाल ये देखो क्या है एम्बेडेड फिगर का सवाल है ई वाले भाई साहब जो है ये किसमें आ रहे हैं जरा देखो तो ई वाले जो भाई साहब हैं ये जो पैजामा टाइप के आपको दिख रहे हैं ये किसमें आ रहे हैं जरा ये देखो जल्दी से एक बार तो अगर देखने चला जाए तो 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 बन गया बन गया बन गया हां बन गया चलो भाई बताओ किसमें आ रही है भाई साहब देखो यहां क्लियर कर दिख रहा है ना देखो यहाँ यहाँ देखो ये यह है ये है ये है ये है ये है ये यह है यही है ना भाई ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर है भाई यहां पे सभी लोगों का है ना ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर ठीक है भाई भाई चलो आगे देखते हैं, आगे देखते देखते हैं हैं और क्या है ये लो भाई, लो को सत्ताइस लिखा जाता है तो के एल को क्या लिखा जाएगा एल ओ को अच्छा ये आपको देखो पगला देगा आपको ये सवाल देखना ये सवाल आप बस बने रहना जितने लोग देख रहे हैं बने रहना बस हमारे साथ इस सवाल तक कम से कम बने रहो ना मजा आ जाए तो कहना इस सवाल में देखो ये आपको पगलाएगा कहेगा एल ओ को सत्ताईस लिख रहा है एल ओ को क्या लिख रहा है सत्ताईस आपको क्लियर कट आपको यहां पे आपको एकदम लहरा देगा आपको सवाल आप मतलब गलियाने लगोगे मन मन सवाल को कि पगला कहीं का ऐसे कैसे कर दिए तुम मेरे साथ ये तो धोखा है बेवफाई है बिल्कुल धोखा बेवफाई दोनों होने वाला है आपको यहां पे देखना ध्यान से ध्यान से आप लोग कर चुके होंगे क्या एल का प्लेस वैल्यू क्या है बारह ओ का प्लेस वैल्यू क्या है पंद्रह और दोनों को जोड़ोगे तो आएगा सत्ताईस और दिल खुश हो गया होगा दिल जो है ना बाग बाग हो गया होगा अरे बाबा इतना आसान सवाल लेकिन बने रहो अब तुम उसके बाद किए खुश हो के के का ग्यारह एल का बारह दोनों को जोड़ोगे आएगा तेईस और यहां लंका लगी होगी भयानक तरीके से हुआ है कि नहीं ऐसा ये बताओ प्रथम दृष्टिया मामला ये लगा है कि नहीं ये बताओ बोलो भाई क्लियर प्रथम दृष्टिया मामला ये लगा होगा कि यहां तो मेरे बाबा ये आ रहा है आखिर ये तेईस नहीं देके ये क्या कर दिया है हमारे साथ खेला बस देखना ऐसा हुआ है कितने कि बत्तीस आंसर आ रहा है भाई देखो 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 बत्तीस आ रहा है आंसर लेकिन यहां पे है ना बत्तीस आंसर आ रहा है बहुत सारे लोगों का आकाश है बत्तीस लगा रहे बत्तीस ऐसा हुआ है कि नहीं ये बताओ हाँ <laughs> होता है भाई होता है ऐसा हो जाता है क्या करोगे ऐसा हो जाता है बच्चों से अब उसमें क्या करने वाली बात है कि ऐसा कर दे तो लगेगा ये लेकिन होगा ये समझ रहे हो मुझे भी सब देख लगा के लगेगा बच्चों को ये लेकिन होगा ये मैंने कहा सेट करो तुरंत सवाल इसको इसको तुरंत जुगारू से सवाल सेट करो देखो कैसे बनेगा ये देखना कैसे बनेगा ये सवाल आपसे देखना एल का अपोजिट क्या होगा ओ ओ का अपोजिट क्या होगा एल और दोनों का प्लेस वैल्यू जोड़ दे रहा है 15 12 क्या आया 27 देखना अभी अभी देखना मजा आएगा आपको देखना ध्यान से के का उल्टा क्या होगा पी एल का उल्टा क्या होगा ओ पी का प्लेस वैल्यू 16 ओ का प्लेस वैल्यू 15 15 और 16 को ऐड करोगे क्या आएगा 31 31 विल बी द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बोलो कैसा लगा लगा कैसा ये पहले बताओ <laughs> बोलो भाई मजा आया मजा आया आप सभी लोगों को इस टाइप के सवाल में ये तो बताओ पहले साहिल भाई बत्तीस काहे लगा रहे हो के का अपोजिट पी तो सोलह एल का अपोजिट तो हो तो पंद्रह बत्तीस का बत्तीस क्यों आंसर लगा रहे हो आप लोग ये तो सरासर नाइंसाफी है भाई सरासर नाइंसाफी है बत्तीस आंसर लगा के घूम रहे हो तुम लोग बताओ इकतीस होगा भाई इकतीस मजा आया नहीं इस सवाल में बताओ जल्दी से एक बार लाइक एंड शेयर इसी बात पे हो जाए सभी लोगों का कितने सर्कल हैं इसमें वृत्त की संख्या बताइए कितने सर्कल हैं सर्कल कितने हैं इसमें जरा सा ये एक बार काउंट करो तो आप सब लोग वृत्त की संख्या बताइए कितने है। वृत्त हैं कितने वृत्त हैं इसमें एक बार जल्दी से बताओ सभी लोग एक बार काउंट करो और इसी बात में लाइक एंड शेयर ठोक दो भाई जबरदस्त अंदाज में उराद दो तो सेशन को एकदम हंड्रेड के पार कराना है आज जल्दी बताओ क्या होगा जल्दी बताओ क्या होगा यहां पे बोलो भाई क्या आंसर होगा झटका सर उमेश करे झटका लगा सर झटका हाँ। बोलो भाई क्या होगा इसमें कितने सर्कल हैं एक बार जल्दी से बताओ इसमें कितने सर्कल हैं ये आप सभी लोगों को बताना है फटाफट लाइक कर दिया सर पल्लवी मेहरा जी करिए थैंक यू सो मच रीमा देवेंद्र शाहिल भाई 21 21 लगा रहे हैं ये लोग आंसर कि सर यहां 21 सर्कल होने वाले हैं तो एक बार देखते हैं कि 21 ये या कुछ और भी है बस बने रहना काउंट करिए एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह ठीक है तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस यहां तक उन्नीस आया अभी देखना एक ये वाला आएगा बीस और एक बाहर वाला आएगा इक्कीस लगाइए आंसर इक्कीस ऑप्शन नंबर ए क्लियर है नंबर ए के साथ जा रहा है भाई विल बी द करेक्ट आंसर क्लियर यही आ गया सवाल आज भी एक अच्छा तो ये तो बन जाना चाहिए आज कल सवाल मैंने ये कराया है और आज आगे आया मतलब कितने लोग लगातार इस सेशन में बने हुए हैं वो मैं देखता हूं अभी तुरंत इसका तो गर्दा उड़ा दो एकदम निकाल दो इसका खींच पींच के जल्दी से इसीलिए रेगुलर सेशन में रहिए आइए पूरे सेशन को एंजॉय करिए पूरा सेशन देखिए एक बार देखो यहां क्या थर्टी फोर है फोर्टी सेवन है सिक्सटी टू है, 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 है इंट्रोगेटिव मार्क है कर क्या रहा है अगर डिफरेंस निकालोगे तो चौदह छह बीस और तीन तेईस नौ का डिफरेंस है अब देखो यही जैसे नौ आएगा ना दिल खुश होगा तीन का स्क्वायर है आगे चार का स्क्वायर आएगा क्या तो चार में से तीन गया एक और तीन में से दो गया एक नहीं आया लेकिन फिर दिल खुश हुआ नौ दो ग्यारह आगे तेरह होगा क्या सात में से चार गया तीन चार में से तीन गया एक हाँ भाई नौ ग्यारह तेरह मजा आ गया एकदम शकून बारह में से सात गया पांच पंद्रह तो आगे सत्रह ऐड कर दो तो सात और दो ऐड करोगे तो क्या आएगा नौ और छत और उन्यासी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी देख रहे हो कैसे बन रहा है भाई बोलो देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो कैसे बन रहा है ये कल भी कराया था मैंने सवाल सेम सवाल सेवेंटी करेक्ट आंसर ठीक है दोस्तों आगे देखे है भी अब सवाल या नहीं तो नहीं अब देखो ये आर आरबी एन टीपीसी सीबीटी टू डबल वैलिडिटी ऑफर है कोई भी प्रोडक्ट आप ले रहे हैं। तो आप जितने भी लोग रुके रहना अब ये नहीं कि ये आ गया तो सर हम जा रहे हैं अब ध्यान से सुनना आपके इंफॉर्मेशन की बात है

ध्यान रखिएगा है ना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जितने भी लोग देख रहे हैं और मैं आपको बता रहा हूं कैसे करना है आपको एक अच्छी चीज है जो बता रहा हूं अगर जो भी बच्चे हैं जिनको लगता है कि नहीं हमें क्लास करनी चाहिए हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए अच्छे से हम आगे जा सकते हैं निकल के देखो कुछ करना नहीं आप गूगल खोल लीजिए ऐसे ही मोबाइल पे लैपटॉप पे आप गूगल खोलेंगे सर्च बॉक्स में गूगल के अड्डा टू फोर सेवन डाल के सर्च कर लीजिए तो ये एक सर्च बॉक्स करेंगे ये ओपन हो जाएगा देखना ध्यान से डबल पूरा पूरा वैलिडिटी ऑफर चल रहा है ऑल प्रोडक्ट हर प्रोडक्ट पे डबल वैलिडिटी ऑफर आज तक के लिए है ये कल तक के लिए ही था लेकिन अब मंथ एंड हो रहा है तो आज भी रख दिया गया है तो डबल वैलिडिटी ऑफर है इस पर फायदा कैसे उठा सकते हैं आप जैसे मान लो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी टीपीसी टू है देखो सही तैयारी होना बड़ा जरूरी है कि किस अंदाज में आप तैयारी कर रहे हैं आप कुछ मत करिए अगर आपको आर आर बी एन टी पी सी सी बी टी टू का बैच लेना है तो आप आर आर बी यहाँ पे टाइप करेंगे है ना और सी बी टी टू भी लिख देंगे तो काम चलेगा सी बी टी सी बी टी से भी काम चल जाएगा आर आर बी सी बी टी डाल के सर्च कर लीजिए आप यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करेंगे आपका एक ओपन होके ये आ जाएगा देखो ये ये सारे प्रोडक्ट्स ये बैच की बात मैं कर रहा हूँ फीस ज्यादा दिख रही है देखो अभी ये कितना कम होगा और डबल वैलिडिटी जाएगा देखना ये जब मैंने इस पर क्लिक किया तो ये आ गया हमारे पास ठीक है अब ये देखो ये देखो ये क्लियर दिख रहा है दिस पैकेज इज अ पार्ट ऑफ डबल वैलिडिटी कैंपेन हर चीज आपको यहां पे मिलने वाली है किस तरीके से पढ़ाई होने वाली है सारी चीजें आपको दिख रही हैं किससे कितने नंबर का क्वेश्चन आता है कैसे आपको प्रैक्टिस करना जैसे देखो रीजनिंग से पैंतीस मैथ से पैंतीस जनरल अवेयरनेस से फिफ्टी तो ये सारी चीजें आपकी चलती हैं अब ये फीस कम कैसे होगा वो आपको मैं बता दूं देखो फीस कम कैसे होगा डबल वैलिडिटी कोई भी बैंक में लेना चाहते हो एसएससी रेलवे हर एक चीज में लो फीस कम कैसे होगा और डबल वैलिडिटी आज तक ही है फीस कम कैसे होगा अपना ईमेल आईडी डालना दा, देखो मैं फिर बता रहा हूं अड्डा टू फोर सेवन पे गए यहां सर्च बॉक्स में जाकर आर या जो बैंक चाहिए SSC चाहिए रेलवे जो भी चाहिए डाल दिए उसके बाद क्या किया है? जो ओपन होगा उसमें सेलेक्ट किए कौन सा प्रोडक्ट आपको लेना है हमें आर आरबी एन टीपीसी टू लेना है मान लो मैंने यहां पर क्लिक किया तो ये ओपन हो गया ये जब ओपन होगा तो ये ये ओपन होगा किस तरीके से ऐसे ओपन रहेगा ये ठीक है तो जब ये ओपन इस तरीके से रहेगा आप इसको ऊपर ऐसे करोगे मोबाइल में हो तो मोबाइल में लैपटॉप हो तो लैपटॉप में तो एक व्यू ऑफर्स का ऑप्शन दिखेगा डायरेक्ट बाय नाउ पे नहीं जाना व्यू ऑफर्स इस व्यू ऑफर्स पे क्लिक कर देना एक विंडो खुलेगा ईमेल आईडी मांगेगा आपसे आप यहां ईमेल आईडी देना है ना ये डबल वैलिडिटी सिर्फ आज तक के लिए अपना ई मेल डाला आपसे मांगेगा कि मी सेवेंटी अप्लाई कर दे क्या कूपन कोड तो ये थोड़ा कम डिस्काउंट देगा आपको लगाना क्या ये ध्यान रखना यही मेन है वाई इस आपको जबरदस्त डिस्काउंट के साथ डबल वैलिडिटी मिल जाएगा आर आर बी एन टीपीसी टू का बैच नौ सो उन्नीस रुपए में अगर किसी को लगता है कि नहीं मेरे ही जेब में चला जाएगा बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे हम तो भाई मत लेना है ना लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है पढ़ना है अगर फॉर्म भरा है आपने तो आर नहीं तो एक काम और क्या क्या आ रहा है ये सारी बैचेज है रेलवे का महापैक अगर लेना चाहते हो देखो अभी डबल वैलिडिटी दो साल मिल जाएगा एक साल में ही ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व लिखा है या का बैच केवल करना चाहते हैं तो सब में वाई तीन सौ पंद्रह कोड लगाना है बस हर चीज आपको मिलेगा कोई अगर कोई भी बैच देखो एन टीपीसी सीबीटी टू यहां पर दिख रहा है हर एक चीज आपको दिखेगा अब रेलवे का वहां में क्या होगा रेलवे का हर एग्जाम कवर होगा आपका चाहे वो कोई भी एग्जाम हो रेलवे का और दो साल की वैलिडिटी है देखो डबल वैलिडिटी कैंपेन दिखा रहा है व्यू ऑफर्स पे जाइए और ग्रैब करिए उसको ई मेल आई डी मांगेगा ई मेल आई डी दीजिए देखो इसका हर एक चीज आपको यहां पे है आपको ई मेल आई डी मांग रहा है आप ई मेल आई डी यहां पे डाल दीजिए ई मेल आई डी डाले कूपन कोड बस याद रखिए कहीं लिख लीजिए यहीं पे डबल वैलिडिटी और डिस्काउंट दोनों देगा ये कूपन कोड आपको वाई तीन सौ पंद्रह के लिए वैलिड है कभी भी लेकिन ये डबल वैलिडिटी आज के लिए है कल से इस कोड पे डिस्काउंट केवल मिल पाएगा तो वाई तीन सौ पंद्रह आपने यहां लगाया और अप्लाई करेंगे छह हजार देखना कितना हो जाएगा सिर्फ तेरह सौ उन्यासी रुपए में रेलवे का महापैक आपको मिल रहा है वो नौ सौ उन्नीस तेरह सो तो आप जाइए ग्रैब करिए लेकिन आज तक के लिए ही है केवल ये ठीक है हाँ अब कोड क्या है वो हमेशा ध्यान रखिए मैं एक बार फिर लिख दे रहा हूं क्योंकि इसी कोड पे आपको सब कुछ होने वाला है हमेशा याद रखे, आपको लेना है आपके किसी दोस्त दोस्तीनी, सहेला सहेली किसी को लेना है वाई तीन सौ पंद्रह कोड के साथ आप जाइए एकदम और ग्रैब करिए इसको अब कुछ बच्चे कह रहे टेलीग्राम पीडीएफ कहा मिलेगा तो पीडीएफ आपको मिलने वाला है बिहार अड्डा टू फोर सेवन का टेलीग्राम ग्रुप है ऑफिशियल यहीं पे आपको पी मिल जाएंगे बिहार अड्डा टू ठीक है टेलीग्राम पे है आप जाइए सर्च करके जुड़ जाइए आप सभी लोग ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच जह हिंद